इसमें आपका डीएनए, इसमें आपका आरएनए और इसमें आपका प्रोटीन, यानी कोई भी क्रोमोजोम हमारी बॉडी का जो है, चाहे वो बॉडी क्रोमोजोम या फिर वो सेक्स क्रोमोजोम हो, वो क्रोमोजोम तीन चीज से मिलकर बना है, डीएनए से। क्या सर डीएनए क्या है? तो पहले धरले से आपको पढ़ा चुके हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में पहले अच्छे तरीका से आप पढ़ चुके हैं, प्रोटीन के बारे में अच्छे तरीका से पढ़ चुके हैं। तो इस क्रोमोजोम में जो आप ये चीजें देख रही है, ये डीएनए है और इसी डीएनए के माध्यम से क्या होता है, लक्षण का वाहन होता है, अर्थात क्रोमोजोम की सबसे छोटी इकाई जो गुणों को ट्रांसफर करता है, जो लक्षण का वाहन करता है, उसे डीएनए कहा जाता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। अब आप डीएनए के ऊपर में देखते हैं इस तरह का एक छोटा छोटा स्पोर्स रहता है, तो डीएनए के ऊपर जो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो छोटे छोटे स्पोर्स पाया जाता है, इसको कहा जाता है जीन। क्या कहा जाता है बाबूरे? इस डीएनए के ऊपर करोड़ों की संख्या में जो छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाते हैं, इसको जीन कहा जाता है और इसी जीन के माध्यम से लक्षण का वाहन होता है, गुण ट्रांसफर होता है, और एक एक जीन जो है वो लाखों लाख करोड़ों करोड़ गुण को क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाता है। अर्थात जनरल क्वेश्चन पूछा जाए कि किसके माध्यम से लक्षण वाहन होता है, क्रोमोसोम के माध्यम से, लेकिन जब ऑप्शन में डीएनए हो, आरएनए हो, प्रोटीन हो या अन्य हो, तब आंसर डीएनए होगा। यदि आंसर में जीन भी रहे तब आंसर जीन होगा, क्योंकि अनुवांशिक गुण का वाहन जो है करने वाली सबसे छोटी इकाई जो है जीन कहलाता है, और जीन के समूह को क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। जीनों के समूह को क्या कहा जाता है, जीनोम के नाम से जाना जाता है। अर्थात इस टॉपिक में आप इसी लक्षण ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया था, इसलिए मेंडल को अनुवांशिकी का पिता माना जाता है। इस अनुवांशिकी के शब्द जो आप देखते हैं, ये जेनेटिक्स वर्ड जो आप देखते हैं, इस जेनेटिक्स शब्द का खोज किया था वाटसन ने, या कह सकते हैं प्रयोग किया था वाटसन ने, कब, 1905 ईस्वी में। यह क्वेश्चन बाबू कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जेनेटिक्स वर्ड जो है जिसमें अनुवांशिकी के बारे में, अनुवांशिक लक्षण के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, इस जेनेटिक शब्द का खोज किसने किया था, 1905 ईस्वी में वाटसन नाम के वैज्ञानिकों ने किया था, और अनुवांशिकी का पिता किसको माना जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। लेकिन इस अनुवांशिकी के बारे में जो पहला मत दिया था वो वैज्ञानिक थे मॉर्गन। क्या नाम था बाबू रे? मॉर्गन था। अतः सवाल यह पूछा जाए कि आधुनिक अनुवांशिकी का जनक, तब आंसर मॉर्गन होगा। जनरल सवाल हो कि जेनेटिक्स का पिता किसे माना जाता है, तब आंसर होगा मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करेगा तब हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल, लेकिन क्वेश्चन हो जाएगा कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक अनुवांशिकी, तब आंसर क्या हो जाएगा, मॉर्गन हो जाएगा। तो ये सब जो भी हम आपको बताए, देखिए अस्पष्टता यहां पर लिखी हुई है, आपको स्पष्ट रूप से दिखता भी होगा कि अनुवांशिकी के अंतर्गत क्या होता है। अनुवांशिकी के अंतर्गत, अनुवांशिकी के अंतर्गत जीवों में होने वाला जो हाइब्रिडिटी है या जीवों में होने वाली जो वैरायटी है, इसी का अध्ययन किया जाता है। अर्थात अनुवांशिकी में लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, हेरिडिटी का अध्ययन किया जाता है, वैरायटी, अलग अलग तरह की जो भिन्नताएं होती है जीवों में, या माता पिता का लक्षण जो संतान तक जाता है, उन सब का अध्ययन किया जाता है। और इस जेनेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं 1905 ईस्वी में इस जेनेटिक शब्द का प्रयोग जो है वो सबसे पहले वाटसन ने किया था। नहीं, जेनेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो 1905 ईस्वी में जेनेटिक शब्द का प्रयोग जो है वो सबसे पहले 1905 ईस्वी में वाटसन ने किया था। जेनेटिक्स से संबंधित पहला अध्ययन जो है वो मॉर्गन के द्वारा किया गया था, इसलिए मॉर्गन साहब को आधुनिक अनुवांशिकी का पिता माना जाता है। इस जेनेटिक्स के बारे में जो सबसे पहला स्टडी किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, मॉर्गन के द्वारा। अतः आधुनिक जेनेटिक्स का यदि पिता माना जाता है तो वो मॉर्गन को माना जाता है। लेकिन जनरल सवाल पूछेगा कि जेनेटिक्स का पिता किसे कहते हैं, तब आप आंसर क्या बोलोगे, तब आंसर आप बोलोगे मेंडल। आप लोग जल्दी जवाब दीजिए कमेंट के माध्यम से कि आधुनिक अनुवांशिकी का पिता कहेगा तो आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा मॉर्गन। और सिर्फ रहेगा कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तब आंसर क्या होगा, मेंडल। अतः मॉर्गन ने
के अनुसार जीवों में जो होने वाला एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए वन पेयर ऑफ फैक्टर की जरूरत होती है जो आपके शरीर में पाया जाता है। अतः ये मॉर्गन साहब जो हैं इनको क्या माना जाता है, आधुनिक जेनेटिक्स का फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। हम आपको पहले बताए कि सिर्फ फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करेगा कि जेनेटिक्स का पिता किसे माना जाता है, तब आंसर होगा ग्रेगर जोन मेंडल। अनुवांशिकी का पिता किसे माना जाता है, तब आंसर क्या होगा, ग्रेगर जोन मेंडल। लेकिन इसमें लगा देगा मॉडर्न जेनेटिक्स का, यानी फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, तब आंसर क्या हो जाएगा, तब आंसर हो जाएगा मॉर्गन। अर्थात मेंडल ने अपने अध्ययन के क्रम में, जो आइंस्टीन ने अपने अध्ययन के द्वारा मेंडल के अध्ययन के बाद जो आइंस्टीन ने अपने अध्ययन के माध्यम से डीएनए पर पाए जाने वाले जीन के माध्यम से बताया, हम आपको बताए ना कि लक्षण का वाहन क्रोमोजोम के माध्यम से होता है, जिस क्रोमोजोम की इकाई डीएनए है वो डीएनए लक्षण का वाहन करता है, लेकिन डीएनए के ऊपर जो एक सूक्ष्म कलिकाएं होती है, कई सारी इकाइयां होती है जिससे डीएनए बना हुआ है, उस इकाई को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। अतः लक्षण का निर्धारण जो है, लक्षण का वाहन जो है, वह किसके माध्यम से किया जाता है, जीन के माध्यम से किया जाता है, जिसके द्वारा जीवों में लक्षण का निर्धारण होता है। अर्थात जीन शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था, जोहान सेन ने किया था 1909 ईस्वी में। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो जीन शब्द का प्रयोग 1909 ईस्वी में जोहान सेन ने किया था, जबकि जेनेटिक शब्द का प्रयोग 1905 ईस्वी में किसने किया था, वाटसन ने किया था। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, यदि मॉडर्न जेनेटिक्स पूछेगा तो मॉर्गन होगा, और ओनली जेनेटिक्स पूछेगा तो क्या हो जाएगा, मेंडल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीज आपने देखा, एक देखा यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि आधुनिक जेनेटिक्स का फादर, तो यदि मॉडर्न जेनेटिक्स पूछेगा तब आप आंसर क्या बोलोगे, यदि मॉडर्न जेनेटिक्स पूछेगा तब आप आंसर मॉर्गन बोलोगे। वनली जेनेटिक्स पूछेगा तब आप क्या बोलोगे, सिर्फ जेनेटिक्स यदि पूछेगा तब आप मेंडल बोलोगे। फिर अनुवांशिक लक्षण का जो वाहन करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जो गुण को ले जाता है, उसमें दो नाम आता है, एक जीन और दूसरा डीएनए। तो डीएनए का खोज वाटसन एंड क्रिक ने किया था, और यह जीन शब्द जो आप देखते हैं, इस जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, जोहान सेन ने 1909 ईस्वी में किया था। और यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जीन शब्द जो है उसका प्रयोग या जीन शब्द का खोज सबसे पहले किसने किया था, तो आप आंसर क्या बोलोगे, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहान सेन ने 1909 ईस्वी में किया था, और वाटसन ने 1905 ईस्वी में जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया। और ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। 1905 ईस्वी में वाटसन के द्वारा किस टर्म का प्रयोग किया गया था, जेनेटिक्स का, और 1909 ईस्वी में जोहान सेन के द्वारा जीन शब्द का प्रयोग किया गया। क्लियर हो गया। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो जोहान सेन ने किया। कब किया, तो 1909 ईस्वी में। उसी तरह से जेनेटिक्स वर्ड जो देखे, जो अनुवांशिकी का इंग्लिश वर्ड होता है, उस जेनेटिक्स वर्ड का प्रयोग 1905 ईस्वी में किसने किया था, वाटसन ने किया था। अतः आपके शरीर में लक्षण का जो वाहन होता है, वो लक्षण का वाहन किसके माध्यम से होता है, तो लक्षण का वाहन जो है वो जीन के माध्यम से होता है। अतः आपके शरीर में अनुवांशिक मेटेरियल जो है, जेनेटिक मेटेरियल जो है, जो अनुवांशिक लक्षण का वाहन करता है, अनुवांशिक गुण का वाहन करता है, उसमें किसका नाम आता है, डीएनए का नाम आता है। और किसी डीएनए के माध्यम से, जीन के माध्यम से लक्षण जो आगे जाता है, उसमें किसी बच्चे में आधा लक्षण माता का और आधा लक्षण किसका होता है, पिता का होता है। जब कोई व्यक्ति मेल और फीमेल के बीच यौन प्रजनन होता है, आपको भी पता है, यह आपके लिए कोई नई बात नहीं है, तो यौन प्रजनन जब होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है, तो उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल भी भाग लेता है और फीमेल भी भाग लेता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होती है तो उसमें मेल भी भाग लेता है और उसमें फीमेल भी भाग लेता है, और उस दोनों के योगदान अपने अपने जीन का आधा होता है, आधा जीन मेल का और आधा जीन फीमेल का, तब एक बच्चे में 100% लक्षण का वाहन हो पाता है। अतः ध्यान रखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में योगदान जो है जीन का आधा हिस्सा होता है,
आधा मेल का और आधा क्या होता है फीमेल का होता है। इस जेनेटिक्स के बारे में जो सबसे पहले प्रैक्टिकल किया गया था वो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया था। और मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था तो सबसे पहले आपको हम आगे दिखाएंगे, ये मटर का पौधा है। आप लोगों को पता होगा ये मटर का पौधा है, हम लोग खाए भी हैं, आपसे भी उम्मीद करेंगे आप भी खाए होंगे। सुरेश मेरा प्रिय शिष्य बनना चाहता है, थैंक यू वेरी मच। सब मेरा शिष्य ही है बाबू, सब प्रिय शिष्य ही है, ध्यान देंगे एकदम आराम से समझने का प्रयत्न। योग ने हर बराना है ग्रेगर जो मेंडल साहब जो है जो प्रैक्टिकल किए थे मेंडल साहब जेनेटिक्स के लिए, तो कई बार यह सवाल पूछा गया कि जेनेटिक्स ने जो अनुवांशिकी के लिए प्रैक्टिकली अनुभव लिए थे, प्रयोग जो किए थे, उस प्रयोग में किसका नाम आता है, तो उस प्रयोग में नाम आता है मटर के पौधों का। किसका प्रयोग, किस पौधों का प्रयोग किया गया था, तो मटर के पौधों का। झासर को पिला दीजिए, नहीं, किस पौधे का प्रयोग किया गया था, तो मटर के पौधों का प्रयोग किया गया था। और आप यहां पर देखेंगे स्पष्ट लिखा होगा, देखो बाबू यहां गलती से मॉर्गन लिखा गया, इसको काट देंगे, यहां भी मॉर्गन लिखा गया, इसको काट देंगे आप अपने किताब में भी, और यहां पर क्या लिख देंगे मेंडल, क्योंकि मेंडल ने ही अपने प्रयोग में सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया था, मटर का। अभी जो हम आपको थ्योरी बता रहे थे उसे क्लियर हो गया। अब मटर का पौधा भी हम आपको दिखाए कि उस मटर के पौधों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने। मटर के पौधों से जेनेटिक्स के बारे में कि लक्षण का निश्चित रूप से वाहन होता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, एक निम्न किस्म का मटर लिया और एक उन्नत किस्म का मटर लिया और दोनों को दिया क्रॉस किया। तो जब निम्न किस्म का मटर और उन्नत किस्म के मटर को क्रॉस किया गया तब उससे जो उत्पादन हुआ, उससे जो मटर पैदा हुआ, उसकी क्वालिटी और भी ज्यादा बढ़ गई। इससे यह पता चला कि निश्चित तौर पर लक्षण का वाहन जो है वो होता है, अर्थात वो किस पौधे का प्रयोग किया था, मटर के पौधों का। किसने किया था, मेंडल किया था। तो आपकी किताब में भी मॉर्गन लिखा हुआ है, इसको आप काट देंगे और वहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर मेंडल लिख देंगे। और मेंडल की मृत्यु हुई थी 1884 ईस्वी में, अतः यहां भी काट देंगे और यहां पर भी क्या लेंगे, मेंडल ही लिखेंगे। यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, मेंडल। पौधे चुनने का कारण यह था कि पौधा का छोटा सा लाइफ होता है, मात्र 3 से 4 महीने का। मन में चूंकि सवाल आता होगा कि आखिर ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों का ही प्रयोग क्यों किया, नहीं कोई दूसरा पौधा, तो चूंकि लाइफ स्पेन जो है वह मटर का थोड़ा कम होता है, मात्र समझिए 3 से 3.5 महीने में ही मटर की पैदावार को किया जा सकता है, तो इसलिए उन्होंने जो प्रयोग किया था अपने प्रयोग में किस पौधे का प्रयोग किया, मटर के पौधों का प्रयोग किया। क्लियर हो गया। ध्यान देंगे बाबू, तो ये क्लियर हो गया कि ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा जिन पौधों का प्रयोग किया गया था सबसे पहले वो कौन सा पौधा था, तो वही आपका जो था ये मटर का पौधा था। स्पष्ट लिखा हुआ है कि पी के पौधों विभिन्न प्रकार के गुण मौजूद होना, वनस्पति भाग और बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से पौधे, उसको टिश्यू कल्चर कहा जाता है। ये क्लियर हो गया कि ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा मटर के पौधों का प्रयोग किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि मटर के पौधों का लाइफ स्पेन जो है, जीवन काल बहुत कम होता है, मात्र 3 से 4 महीने का होता है, इसीलिए उसी का प्रयोग करके उन्होंने क्या कर लिया, परीक्षण कर लिया। एसएससी जीडी का रीजनिंग सेट कब आएगा सर जी, एसएससी जीडी का रीजनिंग सेट जो है वो बहुत जल्द आएगा। हम सोच रहे हैं कि एसएससी जीडी का रीजनिंग सेट नहीं लाके एक कॉमन सार्वजनिक सेट लाते हैं जो आपके एसएससी के एग्जाम में भी और रेलवे के एग्जाम में भी काम देगा, तो उसके लिए एक अलग से रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगभग 40 प्लस आएगा जो आपके एग्जाम में काम दे सकता है, और मैथ्स का भी 40 प्लस आएगा जो आपके एग्जाम में काम देगा। हम प्रयास करेंगे बहुत जल्द वो आपके मार्केट में उपलब्ध हो जाए। क्लियर, ध्यान देंगे। तो कहता है कि मटर के पौधों में विभिन्न प्रकार का गुण मौजूद होगा, देखा गया कि उसमें उसकी क्वालिटी को और भी क्या किया गया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। ठीक है, ठीक है। आदित्य कुमारी, तबीयत मेरा ठीक है, नॉर्मल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देंगे।
आप कहते हैं टिश्यू कल्चर क्या है, तो टिश्यू कल्चर का मतलब समझ गए कि जब किसी पौधों के विभिन्न भागों से या बीजों से के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से, विभिन्न भागों या बीज के अलावे कोशिकाओं के माध्यम से किया जाता है, तो जब कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को नहीं जब क्या कहते हैं कोशिकाओं के माध्यम से किया जाता है तब उसको क्या कहा जाता है, तब उसको टिश्यू कल्चर के नाम से जाना जाता है। किस कल्चर के नाम से जाना जाता है, टिश्यू कल्चर के नाम से जाना जाता है। मॉर्गन के अध्ययन किए गए गुण और लक्षणों की संख्या कितना है, 7 प्रकार का लक्षण है। नहीं, मॉर्गन फिर लिखा गया, अरे क्या करें भाई, समझ में नहीं आता है। आप यहां पर भी मॉर्गन काट के क्या कर देंगे, मेंडल कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि मेंडल साहब जो है इन्होंने मटर के पौधों का अध्ययन करके 2 प्रयोग के आधार पर उन्होंने यह साबित किया था कि लक्षणों का वाहन जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। और उन्होंने जो 2 प्रयोग किया था उसमें एक को कहा जाता है एकल संकरण और दूसरे को कहा जाता है द्वैत संकरण। एक को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है और दूसरे को क्या कहा जाता है, डायहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रेगर जोन मेंडल के द्वारा जो प्रयोग किया गया था अनुवांशिकी के बारे में, इसमें कितना प्रयोग हुआ था, तो इसमें कितना भागों में बांटा था, तो उन्होंने प्रयोग को 2 भागों में बांटा था, 2 आधार पर बांटा था। एक को कहा जाता है आपका क्या, एक को कहा जाता है एकल संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरे को कहा जाता है द्विसंकरण। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग एकल संकरण के बारे में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कि एकल संकरण में क्या होता है। तो एकल संकरण में क्या होता है, एक ही लक्षण का जब 2 भिन्न भिन्न पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो एक नई जानकारी आपको मिलती है। इस जानकारी को ही क्या कहा जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है, एकल संकरण के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं आपका जो ये है, आपका जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। यू आर माई इंस्पायरेशन अमन यादव, थैंक यू वेरी मच, एकदम आराम से देखेंगे। तो हम बात आपसे करते हैं एकल संकरण का कि जब लक्षण के बारे में पता चला तो एकल संकरण क्या है, एकल संकरण मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एकदम ध्यान देंगे, आपको समझना पड़ेगा कि एकल संकरण क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को किस नाम से जाना जाता है। देखिए एकल संकरण में क्या हुआ, एक ही लक्षण के 2 पौधे को लिया गया, दोनों पौधा अलग अलग था और उसके बीच क्रॉस कराया गया। इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक सबसे लंबा पौधा लिया, सबसे लंबा। तो ध्यान देंगे जब भी जेनेटिक्स में या किसी जनरेशन में सबसे लंबा की बात करेगा तो वहां पर 2 कैपिटल टी यूज होता है। सबसे लंबा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एकल संकरण में या डबल संकरण में भी जब सबसे लंबा की बात होगा तो वहां पर 2 टी होता है और वो सबसे लंबा यानी कैपिटल टी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, कैपिटल टी का। एक उन्होंने क्या किया, सबसे नाटा लिया, सबसे नाटा, और सबसे नाटा के लिए किसका प्रयोग किया, स्मॉल टी का। एकदम आराम से देखेंगे, सबसे लंबा के लिए किसका प्रयोग किया, दोनों कैपिटल टी का, और सबसे नाटा के लिए किसका प्रयोग किया, तो दोनों स्मॉल टी का। यानी दोनों कैपिटल टी इधर से हो गया और उधर से दोनों स्मॉल टी हो गया, क्लियर। अब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी की जब आपसे बात करेंगे तो कैपिटल टी का मतलब समझिएगा सबसे लंबा, और स्मॉल टी की बात करेंगे तो स्मॉल टी का मतलब समझिएगा सबसे नाटा। तो ग्रेगर जोन मेंडल ने क्या किया कि सबसे लंबा और सबसे नाटा इस दोनों के बीच क्रॉस करा दिया। किसके किसके बीच, एक सबसे लंबा और एक सबसे नाटा। जब इसके बीच क्रॉस किया गया तो आप भी इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, अब जब उसको क्रॉस करा देंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा। फर्स्ट जनरेशन में तो ऐसा ही हो सकता है, F1 में
यदि इस टी को इस टी के साथ मिलाएंगे तो ये भी कैपिटल टी होगा और स्मॉल टी होगा। तो ये जो आप जनरेशन देखे फर्स्ट जनरेशन, इसमें आपने क्या अनुभव किया कि एक सबसे लंबा और एक सबसे नाटा, और इस दोनों के बीच जब क्रॉस कराया गया तो पहला पीढ़ी का जो पौधा हुआ इसको कहा जाता है संकर लंबा। कौन लंबा कहा जाता है बाबू रे? तो इसको कहा जाता है संकर लंबा। इसका मतलब है कि लंबापन जो है वो बौनापन पर अपना गुण छोड़ दिया, अपना प्रॉपर्टी छोड़ दिया और ये बौना नहीं होकर पहला पीढ़ी का जो प्लांट हुआ वो संकर लंबा हो गया। कैसा हो गया बाबू रे? संकर लंबा हो गया। अतः आप ये क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया कि एकल संकरण में जब सबसे लंबा और सबसे नाटा के बीच क्रॉस कराया जाता है तो पहला पीढ़ी का क्या हो जाता है? संकर लंबा हो जाता है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों संकर लंबा को क्रॉस कराएंगे तो सबसे लंबा भी होगा, संकर लंबा भी होगा, सबसे नाटा भी होगा, क्योंकि आपको पता है जब ये इसके साथ मिलेगा तो दोनों कैपिटल टी हो जाएगा, जब दोनों कैपिटल टी होगा तो ये सबसे लंबा होगा, जब ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा, इसको आप संकर लंबा कहिएगा, जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, इसको आप संकर लंबा कहिएगा, जब ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो दोनों स्मॉल टी होगा, इसको आप सबसे नाटा कहिएगा, इसको आप बौना कहिएगा। ये सेकेंड जनरेशन की बात की है, ये हम आपसे एफ टू की बात की है, एकदम आराम से इस बात को समझेंगे। फर्स्ट जनरेशन में जब एकल संकरण की हम आपसे बात किए तो एक सबसे लंबा और एक सबसे नाटा यानी बौना का बीज का क्रॉस करा दिए, सबसे लंबा के लिए दोनों कैपिटल टी और सबसे नाटा के लिए दोनों स्मॉल टी, और जब दोनों क्रॉस किया तो क्या बन गया, पहला पीढ़ी में संकर लंबा बन गया, यानी कैपिटल टी भी और स्मॉल टी भी। तो जब कैपिटल टी भी हो और स्मॉल टी भी हो तब उसको कौन लंबा कहिएगा? तब आप उसको संकर लंबा कहिएगा। कौन लंबा कहिएगा बाबू रे? तब उसको आप संकर लंबा कहिएगा। तो ये क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजर? नाइन्थ क्लास में पढ़े थे, वाह। संकर लंबा का मतलब क्या हो गया? जिसको दोगला लंबा कहते हैं, ना तो बहुत ज्यादा लंबा ना तो बहुत नाटा, बीच वाला जो होता है उस प्लांट को ही संकर लंबा कहा जाता है। नहीं तो बहुत लंबा इसको कह सकते हैं, ना तो आप इसको नाटा कह सकते हैं, कि बीच वाला जो है इसी को संकर लंबा कहा जाता है। अब दो संकर लंबा को आपने क्रॉस कराया तो एक सबसे लंबा हो गया, दो को संकर लंबा हो गया और एक नाटा हो गया। तो इसमें दो तरह का लक्षण होता है, एक होता है फेनोटाइपिक और एक होता है जेनोटाइपिक। तो जब आपसे फेनोटाइपिक पूछा जाए तब आंसर होगा 3:1। क्वेश्चन पूछता है कि एकल संकरण में फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, तो 3:1 यानी जो बाहरी वाला लक्षण जो देखकर आपको पता चल रहा है, इसमें तीन गो हो गया लंबा और एक हो गया नाटा। संकर लंबा है वो भी लंबा, सबसे लंबा है वो भी लंबा, तो बाहरी लक्षण से आपको पता चल गया कि 3:1, तीन गो संकर लंबा हो गया यानी लंबा हो गया और एक नाटा हो गया। लेकिन जेनोटाइपिक रेशियो जब पूछे कि जेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, तब 1:2:2 क्या होगा? 1, एक हो जाएगा सबसे लंबा, दो हो जाएगा संकर लंबा, एक हो जाएगा सबसे नाटा। तो परीक्षा में खूब क्वेश्चन पूछता है, संकर लंबा नहीं समझा रहे, चौटाबियन बताए। संकर लंबा का मतलब होता है दोगला, संकर मतलब दोगला, बीच वाला, न वो सबसे ज्यादा लंबा है न वो नाटा है, तब उसका नाम रखा गया संकर लंबा, जिसको आप नाटा भी नहीं कह सकते हैं, सबसे लंबा भी नहीं कह सकते हैं, बीच वाला कह सकते हैं, वो संकर लंबा कहलाता है। क्लियर? तो यदि जेनोटाइपिक रेशियो पूछा जाएगा तो 1:2:1 होगा, एक सबसे लंबा, दो संकर लंबा, एक सबसे नाटा। लेकिन जब फेनोटाइपिक रेशियो पूछेगा तब 3:1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, वो बाहरी लक्षण है और ये आंतरिक लक्षण है। अभी आप देखेंगे जो चीज हम आपको समझाए वो स्पष्ट यहां पर लिखा हुआ है कि एक सबसे लंबा लिए टॉल प्लांट है तो कैपिटल टी हो गया, बौना पौधा लिए स्मॉल टी हो गया। अब कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्रॉस करा दिया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों बना, इसका मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं संकर लंबा। कौन लंबा कहते हैं बउआ रे?
तो इसको संकर लंबा कहा जाता है। स्पष्ट या सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराया गया तो एक गो सबसे लंबा हो गया, दो गो संकर लंबा हो गया और एक सबसे नाटा हो गया। इस सबसे लंबा चूंकि दोनों कैपिटल टी है, इस सबसे नाटा दोनों स्मॉल टी है, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एस एक स्मॉल, तब इसको आप संकर लंबा बोले। तो एक अनुपात दो अनुपात एक स्पष्ट लिखा होगा। देखिए कि फेनोटाइपिक रेशियो जो है बाहरी गुणों के आधार पे तीन अनुपात एक हो गया, और जब आंतरिक गुण देखा गया, जेनोटाइपिक रेशियो देखा गया, तब एक अनुपात दो अनुपात एक जो अभी हम आपको समझाए वो टोटल लिखा हुआ है। जब संकर लंबा की फेनोटाइपिक रेशियो की बात करेगा तो तीन अनुपात एक, जेनोटाइपिक रेशियो की बात करेगा तो एक अनुपात दो अनुपात एक। क्लियर हो गया ना? चलिए पहले बायोलॉजी थोड़ा भी समझ में नहीं आता था, बहुत इजी हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रेगर जोन मेंडल साहब जो है अनुवांशिकी के लक्षण के लिए तीन प्रकार का नियम दिया, जिसको में पहला प्रभाविकता का नियम, दूसरा कहलाता है पृथक्करण का नियम, और तीसरा कहलाता है कौन, तो तीसरा आपका कहलाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कितना नियम दिया गया अनुवांशिकी के बारे में? ग्रेगर जोन मेंडल के द्वारा तीन नियम दिया गया, प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीनों क्या है हम बारी बारी से तीनों पर चर्चा करेंगे, एकदम आराम से समझिएगा। कहता है प्रभाविकता का नियम, क्या सर ये प्रभाविकता का नियम क्या होता है? तो जीवों में जब एक ही गुण अनेक प्रकार के रूप में होता है, एक ही प्रकार का गुण जब अनेक प्रकार के रूपों में पाया जाता है तो उस स्वरूप को क्या कहा जाता है पता है? उसका एक नाम दिया गया जिसको एलेन कहा जाता है। नहीं, आपके मन में सवाल आता होगा कि एलेन क्या है? तो जब एक ही टाइप का गुण जो है, एक ही प्रकार का गुण जो है वो अनेक प्रकार के स्वरूप में दिखाई देगा, सेम गुण अलग अलग रूप में दिखाई देगा, अलग अलग स्वरूप में दिखाई देगा, तब उसको कहा जाता है एलेन कहा जाता है। अर्थात प्रभाविकता के नियम में यह बताया गया, किसके अनुसार? मेंडल के अनुसार। मॉर्गन लिखा हुआ मेरे भाई, यहां पर आप मेंडल लिख लेंगे। मेंडल के अनुसार बताया गया कि विभिन्न प्रकार के एलेन जब एक ही साथ किसी पीढ़ी में जाता है तो एक गुण ज्यादा उभर जाता है और दूसरे को वह दबा देता है। अभी आपने देखा कि जब लंबा वाला पौधा को नाटा वाले पौधे के साथ क्रॉस कराए तो नाटा वाला गुण दब गया और लंबा वाला गुण दिखने लगा, तब तो संकर लंबा बना था। तो ये क्लियर हो गया कि प्रभाविकता का नियम कहता है कि जब एलेन एक साथ किसी पीढ़ी में जाता है तो एक ज्यादा प्रभावी होता है और एक कम प्रभावी होता है, इस लक्षण को ही प्रभाविकता का नियम कहते हैं। स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिस एलेन का गुण उभरता है उसे डोमिनेंट एलेन कहता है, एक प्रभावी होता है, प्रभावी मतलब बोले तो डोमिनेंट एलेन, एक प्रभावी हो जाता है जो कि लंबा वाला प्रभावी हो गया, नाटा वाला अप्रभावी हो गया। तो एक डोमिनेंट एलेन कहलाता है और दूसरा क्या होता है? सिर्फ एलेन कहलाता है, यानी एक लक्षण दब जाता है और दूसरा लक्षण चला जाता है। इस नियम को क्या कहा जाता है? प्रभाविकता का नियम कहा जाता है। दूसरा नियम उन्होंने क्या दिया? पृथक्करण का नियम। यानी मेंडल ने कहा कि जब विपरीत स्वरूप वाले एलेन किसी पीढ़ी में जाता है तो साथ हो जाता है लेकिन अगली पीढ़ी में क्या हो जाता है? वो अलग हो जाता है। कहता है कि समान गुण वाले एलेन जब किसी पीढ़ी में जाता है तो एक पीढ़ी में वो साथ रहता है लेकिन अगला पीढ़ी में क्या हो जाता है? अगली पीढ़ी में जो है वो अलग हो जाता है। इसको कहा जाता था पृथक्करण, क्योंकि पृथक्करण का मतलब होता है अलग होना। पृथक्करण का मतलब क्या होता है? पृथक्करण का मतलब क्या होता है? तो पृथक्करण का मतलब ही होता है अलग होना। तो जब इसमें पृथक्करण की बात करेगा तो कोई एलेन जब एक साथ किसी पीढ़ी में जाएगा तो एक पीढ़ी में तो वो साथ रहेगा लेकिन अगला पीढ़ी में क्या हो जाएगा? वो अलग हो जाएगा, पृथक्करण हो जाएगा। इसलिए इस नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। तीसरा आपका है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें विपरीत एलेन पृथक होने के बाद, इसमें कहता है जब विपरीत गुण वाले एलेन जो है वो जब अगले पीढ़ी में जाता है तो अगले पीढ़ी में किसी भी एलेन के साथ वियोजित होने के लिए क्या करता है? वो इंडिपेंडेंट होता है। जब अलग अलग एलेन किसी पीढ़ी में गया तो
अब वो किसके साथ जुड़ेगा, किससे हटेगा, इसके लिए वो एलिन क्या हो जाता है, बिल्कुल स्वतंत्र हो जाता है। अरे अगला पीढ़ी में, अब मान लीजिए आपका लक्षण आपके बेटा में गया, अब आपका लक्षण आपके पोता में जाएगा या नहीं जाएगा, या वो अलग तरह के लक्षण को गेन करेगा, ये कोई नहीं जानता है। इस लक्षण को अर्जित करने के लिए वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है। क्लियर? प्रेमी आस्तिक, आप हमारे गॉड हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। ये सारी कॉन्सेप्ट समझने वाली है, और यदि इसको आप अच्छे तरीका से समझ लेते हैं और मात्र घर पे जाकर एक बार पढ़ लेते हैं तो 100% एग्जाम का सवाल बनेगा। क्योंकि जितने टाइप के एग्जाम में सवाल होते हैं वो सारे टाइप पर हम जोर दे रहे हैं, सब पर डिस्कस कर रहे हैं। कई बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है उसको हम बार बार बता रहे हैं। और ये छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, ये अभी तक में खत्म हो जाता लेकिन एकदम आराम से हम लोग पढ़ेंगे। 10 मिनट और लगेगा, आधा घंटा नहीं 45 मिनट लगेगा, 50 मिनट लगेगा, आराम से पढ़ के हम लोग खत्म करेंगे। एकदम दिमाग में रखिएगा। तो अभी आपने मेंडल के 3 नियम के बारे में पढ़ा, एक प्रभाविकता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। और ये इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र चला, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, तो वो क्या हो गया, अगला पीढ़ी में क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। ये हम आपको बता रहे थे एकल संकरण के बारे में, अब हम आपको बताएंगे द्विसंकरण के बारे में, डायहाइब्रिड के बारे में। तो घबराना नहीं है, जैसे एकल संकरण में आप क्या देखे कि लंबा और नाटा के बीच क्रॉस कराया गया, तो डबल संकरण में क्या होता है, दो लक्षण लेता है, एक वो उसका लंबाई ले लेगा और एक उसका रंग ले लेगा। देखिए एकल वाला में एक लिया था सिर्फ लंबापन और बौनापन, लेकिन डायहाइब्रिड में क्या देखेंगे, इसमें दो लक्षण लेगा, एक लंबाई का लेगा और एक रंग का लेगा। तो जब लंबाई और रंग लेगा तो सबसे लंबा और लाल रंग, सबसे नाटा और सफेद रंग, तो सबसे लंबा और लाल रंग, सबसे नाटा और सफेद रंग, इस दोनों को क्रॉस करवा दिया जाएगा। तो जब सबसे लंबा और लाल को सबसे नाटा और सफेद के साथ क्रॉस करवाया जाएगा तो अगला जनरेशन का जो प्लांट होगा वो लंबा भी होगा और उसकी फूल लाल भी होगा। कैसे होगा तो हम उसको थोड़ा सा समझा देते हैं, आराम से आप देखिएगा। नहीं बढ़ा हो, एकदम आराम से देखेंगे, एकल संकरण वाला सब आराम से समझ गए। अब हम डबल संकरण की बात करते हैं, डायहाइब्रिड की आपसे बात करते हैं तो आराम से देखेंगे। डायहाइब्रिड क्रॉस, तो जब डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे तो इसमें दो चीज लिए, एक लंबाई और दूसरा रंग। इसमें दो चीज लेंगे, एक लंबाई लेंगे और दूसरा क्या लेंगे, रंग लेंगे। तो लंबाई और रंग जब लेंगे तो इसमें भी दो करेक्टर का ले लेते हैं, एक सबसे लंबा लाल रंग, सबसे लंबा लाल रंग, और इधर हो जाएगा सबसे नाटा सफेद रंग, सबसे नाटा सफेद रंग। क्लियर हो गया, सबसे लंबा लाल रंग और सबसे नाटा सफेद रंग। तो सबसे लंबा के लिए हम आपको पहले बताए थे कैपिटल टी यूज करेंगे, और लाल रंग के लिए, रेड के लिए कैपिटल आर का प्रयोग करेंगे। लाल रंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कैपिटल आर का, सबसे लंबा के लिए कैपिटल टी का। क्लियर? ब्लड रिलेशनशिप नहीं पढ़ाइएगा, अरे बुड़बा का राधिका, ब्लड रिलेशनशिप तो रीजनिंग में ना है वे, अब बायोलॉजी में जो ब्लड पढ़ना है वो तो हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में ही पढ़ लिए, हो सकता है बाद में एडमिशन नहीं होगा, आपका छूट गया होगा, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। चलो, और सबसे नाटा के लिए स्मॉल टी और सफेद के लिए स्मॉल आर, एकदम आराम से देखेंगे। सबसे लंबा के लिए कैपिटल डी, लाल के लिए कैपिटल आर, सबसे नाटा के लिए स्मॉल टी, सफेद के लिए स्मॉल आर। अब इससे मान लिया जाए कैपिटल टी और कैपिटल आर ले लेंगे
और इसका कैपिटल टी और स्मॉल आर ले लेंगे, और इसको जब क्रॉस करवाया जाएगा इस दोनों को, क्योंकि डाई हाइब्रिड है तो इसमें दोनों एक के साथ लेंगे, तो कैपिटल टी और कैपिटल आर, स्मॉल टी और स्मॉल आर, तब क्या बनेगा, टी कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसको कहा जाता है लंबा और लाल। इसको क्या कहा जाएगा, लंबा और लाल। तो आपने क्या देखा कि लंबा और लाल जो है ये नाटा और सफेद के साथ जब क्रॉस किया तो नाटा और सफेद के लक्षण को छोड़ दिया और लक्षण आया किसका, लंबा और लाल का। तो इसमें दोनों चीज था इसलिए इसका नाम हो गया डायहाइब्रिड क्रॉस। क्या हो गया, डायहाइब्रिड क्रॉस। तो इसमें आप क्या देखेंगे, ये जो आपका चार गो है इस चारों को चारों के साथ मिलाया जाता है, तो चार चौक 16, 16 टाइप का नेचर वाला प्लांट आपको दिखता है। क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर इस चार गो है, अब इस चारों को चारों के साथ मिला देंगे तो 16 गो बनेगा, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं स्पष्टतया कि सबसे लंबा पौधा और लाल के लिए कैपिटल टी कैपिटल आर यूज किया, जो कि वहां पर हम आपको अभी दिखाए, स्मॉल टी स्मॉल आर लिया सबसे नाटा और क्या कहते हैं ये सफेद के लिए, वो भी आप देख लिया। अब यदि कैपिटल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर इस दोनों के बीच क्रॉस करवा दिया गया तो आप देखे कि ये लंबा भी हो गया और लाल फूल भी हो गया। क्या हो गया, लंबा और लाल भी हो गया। अब इस लंबा और लाल को लंबे और लाल के साथ ही क्रॉस करा देंगे तो चार चौक 16 टाइप का आप देखेंगे कि अगला जनरेशन में आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आप अभी देखे कि जब कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस कराया गया तो चार चौक 16 टाइप का नेचर देखा गया। अब कहिएगा मन में किसी को सवाल आ रहा है कि सर क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो सवाल परीक्षा में पूछता है कि बताइए कि एक लंबा और एक नाटा के बीच क्रॉस कराया जाता है तो फर्स्ट जेनरेशन का पौधा कैसा होगा, तो संकर लंबा होगा। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लंबा और लाल का यदि क्रॉस नाटा और सफेद के साथ किया जाएगा तो फर्स्ट जेनरेशन का पौधा क्या होगा, तो लंबा और लाल होगा, क्योंकि इस नाटा और सफेद वाले पर वो अपना प्रभाव छोड़ देगा, नाटा और सफेद वाला खत्म हो जाएगा, लंबा और लाल गुण आ जाएगा। क्लियर। अब ये चार चौक 16 टाइप के आपने देखा यहां पर क्रिएशन हुआ, इसमें 16 टाइप में भी दो तरह का लक्षण, एक फेनोटाइपिक और दूसरा जेनोटाइपिक। कहिएगा सर फेनोटाइपिक क्या है, जो बाहरी लक्षण दिखता है, जेनोटाइपिक क्या है, जो आंतरिक लक्षण दिखता है। तो इसमें यदि फेनोटाइपिक रेशियो की बात करेगा तो 9:3:3:1, 9:3 कितना 11 12 12 3 15 15 1 16 पुड़ गया। जेनोटाइपिक रेशियो की बात करेगा तो 1:2:1 2:4:2 1:2:1 इसको भी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अर्थात जेनोटाइपिक पूछा जाए या फेनोटाइपिक, जब जेनोटाइपिक पूछेगा तो 9:3:3:1 जेनोटाइपिक पूछेगा 1:2:1 2:4:2 1:2:1 इस तरह से क्या होता है परिवर्तन होता है। क्लियर हो गया। तो यहां पर जेनोटाइपिक और फेनोटाइपिक जो भी हम बताए लिखा हुआ है, किसी भी लक्षण का निर्धारण करने वाले जीन जो होता है उसी के समूह को जेनोटाइपिक कहा जाता है। और फेनोटाइपिक में क्या होता है, जेनोटाइपिक के आधार पर जो जीवों में लक्षण उभर कर बाहर आता है, जो बाहर लक्षण आएगा वो फेनोटाइपिक होगा, जो अंदर जाएगा वो जेनोटाइपिक होगा। फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी राहुल सावरना सर, थैंक यू वेरी मच। क्लियर। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मनुष्य में कितना क्रोमोजोम होता है। तो आप सब लोगों को पता है कि मनुष्य में 46 क्रोमोजोम होता है, और क्रोमोजोम में ये हालांकि प्रजनन तंत्र में भी पढ़ा चुके हैं, सेल बना रहे उस समय भी बताए थे, फिर एक बार ये डायग्राम हम आपको बता देते हैं, एक बार फिर हम लोग डायग्राम देख लेते हैं क्रोमोजोम का। क्रोमोजोम का तो आप सब लोगों को पता होगा कि मनुष्य में कितना क्रोमोजोम पाया जाता है,
तो 23 पेयर अर्थात 46 क्रोमोजोम पाया जाता है। कितना प्रकार का होता है बाबू? तो कितना प्रकार का होता है, लेट से क्लास करोगे तो इसी तरह बोरा में चल जाओगे बाबू। जब क्लास स्टार्ट होता है शुरू से आप नहीं करोगे और लास्ट में आके हम पे एहसान करोगे तो बोरा में चल जाओगे, जिंदगी में कभी नौकरी नहीं होगा चेला। और इस तरह का कमेंट करके आप अपने आप को ही गर्त में मिला रहे हो, यह बात आप समझ लो। अभी तक आपकी एक भी कमेंट नहीं आई थी, हजारों बच्चे को समझ में आ रहे, सब लिख रहा है गॉड ऑफ बायोलॉजी और आप लिखते हैं समझ में नहीं आता है, तो आप बोरा में चल जाइएगा, जिंदगी भर भटक मर जाइएगा, नौकरी नहीं होगा, यदि लक्षण आप में रहेगा तो। 9 बजे क्लास स्टार्ट होता है, 9 बजे से क्लास कीजिए तभी आपको समझ में आएगी। समझ गया ना? 10,000 बच्चे पढ़ने, सबको समझ में आ रहा है, सब लिखते हैं गॉड ऑफ बायोलॉजी और आप कहते समझ में नहीं आता है, तो आप अपना दिन दशा सुधार लीजिए, अन्यथा भटक के मर जाइएगा, कोई काम नहीं देगा चला। याद रखना मेरा बात, ही बेवकूफ वाला जब बात करेगा ना तो याद रखना हम क्या बोले, तुमको याद आएगा तुमको अपने जीवन में। चलिए देखिए, लिखते हैं लड़का कि बिल्कुल समझ में आ गया सर, और एक चट्टा चुतिया जो है वो लिखता है कि नहीं समझ में आया, छोड़िए सर बोरा में जाएगा, पक्का जाएगा, पक्का। चलिए तो अब क्रोमोजोम की बात करेंगे, क्रोमोजोम की संख्या 23 जोड़ा अर्थात 46 होता है, लेकिन इसमें क्रोमोजोम जो होता है दो तरह का, एक को कहा जाता है बॉडी क्रोमोजोम और दूसरे को क्या कहा जाता है, सेक्स क्रोमोजोम। बॉडी क्रोमोजोम की संख्या कितना 44 और सेक्स क्रोमोजोम की संख्या कितना 2, तो 44 2 क्या हो गया 46। लव यू जाएगा बोरा में ना। चलिए थैंक यू वेरी मच। तो 44 हो गया आपका बॉडी क्रोमोजोम और 2 गॉड ऑफ बायोलॉजी। थैंक यू वेरी मच। वाह देखो कितना अच्छा अच्छा बच्चा है, कितना अच्छे से पढ़ता है, समझता है, ध्यान भी देता है। लव यू टू। एकागो है चुतिया साला, बोल देता है कुछ, कोई बात नहीं चला, जाएगा बोरा, अपने नौकरी नहीं होगा, जिंदगी भर भटक मरेगा, दूसरे का क्या लेगा, टीचर का क्या लेगा। टीचर को यदि वो बुरा कमेंट करके चाहता टेंशन में देना तो हम टेंशन लेने वाले टीचर हैं। चला जब हजारों बच्चे लव यू कर रहे हैं तो एकागो नहीं कहेगा चलेगा, एकागो नहीं पढ़ेगा तो नौकरी नहीं होगा, क्योंकि उतना सीटें नहीं है जो बेवकूफ को भी नौकरी हो जाए। क्लियर? चलिए हाँ, एकागो आता है डिस्टर्ब, कोई बात नहीं, चला सब आते रहेगा जाते रहेगा, कोई बात नहीं, ध्यान देंगे। तो आपका सेक्स क्रोमोजोम हो गया। अब यदि सेक्स क्रोमोजोम की बात करते हैं तो यह भी मेल के लिए अलग होता है और फीमेल के लिए क्या होता है, अलग होता है। आपको पता होगा मेल में एक्स और वाई रहता है और फीमेल में क्या रहता है, एक्स और एक्स रहता है। तो जब मेल के एक्स और वाई को फीमेल के एक्स के साथ मिलाएंगे तो अलग अलग कंडीशन होगा, एक एक्स और एक्स मिलेगा। तो आपको पता है दोनों जब एक्स हो गया तो बच्चा क्या होगा, लड़की होगा। अब ये वाई जब एक्स के साथ मिलेगा तो एक्स वाई बनाएगा, ये क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। क्योंकि परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि बच्चा बेटा होगा या बेटी, लड़का होगा या लड़की, ये किस पर डिपेंड करता है, तो ये वाई क्रोमोजोम पर डिपेंड करता है। अर्थात बच्चा बेटा होगा या बेटी ये पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। तो इस डायग्राम से आपने बिल्कुल समझ गया, क्लियर हो गया, वही डायग्राम यहां पर बना हुआ है। देखिए 44 प्लस एक्स वाई मेल का है, 44 प्लस एक्स एक्स फीमेल का है। जब एक्स और वाई मिलेगा तो एक्स वाई बनाएगा यानी लड़का बनाएगा, और लड़का के लिए जिम्मेवार कौन हो गया, ये वाई क्रोमोजोम अर्थात मेल हो गया। आप देखेंगे स्पष्ट लिखा होगा कि बच्चों के लिंग का निर्धारण जो है ये पिता के गुणसूत्र पर डिपेंड करता है, क्योंकि पिता में ही वाई क्रोमोजोम पाया जाता है। और एक मेल का स्पर्म जो है इसमें 3 गुणसूत्र होता है, और फीमेल के ओवम में भी कितना गुणसूत्र होता है, 23 गुणसूत्र होता है। चलिए बाबू आज ये टॉपिक जो है वो आपका समाप्त होता है, अगले क्लास में जब आपसे मुलाकात करेगी तो एक नए टॉपिक की शुरुआत होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।